पेशाब। देखो वहाँ जो मैं उस जगह में फर्क तो बहुत पड़ा है मेरे को। क्या जैसे हम अपने वो बाथरूम बाथरूम की जगह ना मतलब छोटा बड़ा हो जाता है ना। हाँ तो मतलब हिलानी कोशिश करते तो हिलता है वो। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना, धीरे धीरे देखिए जब पेशाब आपको लीकेज करेगा ना उस टाइम आपको हाथ हाथ से थोड़ा ऊपर का हिस्सा खुजला दीजिएगा, हल्का सा ताकत लगाइएगा पेशाब तरफ तो पेशाब उतर जाएगा। अच्छा हाँ, क्योंकि बोलते हैं हम पाइप डालते हैं तो बहुत जलन होता है, बहुत दर्द करता है, जान निकल जाता है। तो आपका तो जानकारी जानकारी आ गया, आपका महसूस हो गया इसलिए। हाँ नहीं सेंसरी वगैरह सब कुछ आ गई मेरे मतलब खुजली खुजली पैरों में अच्छी तरह मस्ती है। हाँ तो पाइप लगा के मत रखिए पहले, पाइप का आपको दिक्कत कर देगा, इससे नुकसान भी आगे चल के हो जाएगा, जिंदगी लाइफ भी खराब कर सकता है। हाँ वही डर लग रहा था मुझे पैरों में ना, इसने अभी ऐसे लगते पैर मेरे रजाई करते ग्लोई नहीं होती वैसे ही लगते पैर। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल आपको रिकवरी आप बोलते हैं चल भी लेते हैं, तो पाइप को लगा के नहीं रखिए, पाइप को बिल्कुल आप खोल दीजिए। और कहीं कहीं ज़्यादा दिक्कत करेगा रात को तो रात को कॉन्डम यूज कर लीजिएगा, कॉन्डम का ठेटर। अच्छा हाँ हम नॉर्मल कॉन्डम पर वीडियो बना दिए हैं तो वो देख लीजिएगा वीडियो को, आप डाल देना ठीक है। और एक तो चैनल फॉरवर्ड कर लिया तो नए हम चैनल खोले हुए हैं, तो आप कौन चैनल से फ़ोन किए हैं पता नहीं। अभी ये तो मुझे नहीं पता, आज वो पांडे ने डिलीट मार दिया मेरा फ़ोन, जितने भी ग्रुप में वीडियो वगैरह थी सब डिलीट हो गई, उनको देख देख के कुछ एक्सरसाइज भी कर लेता था मैं। हाँ नहीं तो हम मेरा चैनल एक तो फॉरवर्ड कर लिया तो फिर नए चैनल खोले हुए हैं, तो कहीं नया चैनल नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वो पुराना चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं अभी आपकी वीडियो देखा था एंगल वाली कुर्ती पर रख के पैर। हाँ एंगल की। हाँ तो नए चैनल है अभी चैनल। आपने नया डाला है ना। हाँ तो नया चैनल वाला है। हाँ वही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ उसी में भाई लोग का रिकवरी का भी डालते हैं और भाई लोग वीडियो भेजता है उसको डाल देते हैं, वो अपना लेवल का कहीं मिल जाता है तो उसका खुशी हो जाता है, हिम्मत हौसला बढ़ जाता है इससे। बिल्कुल हाँ, क्योंकि देखिए हम लोग मरेंगे तो धन दौलत कोई लेके नहीं जाएगा साथ में, सिर्फ ईमान जाएगा और व्यवहार। अभी तो कुछ किसी काम के नहीं है, बस बैठे आत्महत्या करने के लिए सोचेंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। हाँ देखिए काम करने का नहीं जाएगी, कुछ भी काम कीजिएगा फिर भी साथ में नहीं जाएगा, क्योंकि धन दौलत टाका पैसा कुछ साथ में जाने वाला नहीं है, सिर्फ इज्जत और व्यवहार जाएगा। बिल्कुल ईमान जाएगा सिर्फ साथ में। तो मतलब इसमें क्या होता है लेवल उबल जो डाल देते हैं, कितना रिकवरी है भाई का, क्या क्या रिजल्ट मिला है, तो कोई अपना लेवल वाला देखता है ना तो उसको आशा की किरण की मेहनत छोड़ दिया तो फिर मेहनत करना चालू कर देता है। जैसे हम 12 साल के बाद मेहनत चालू किए तो एनी टाइम बोलते हैं हमको 12 साल हो गया है। हाँ तो मतलब इसलिए सब भाई इस तरह मेहनत कर रहा है, कभी 12 साल 17 साल से है, 13 साल से है, 8 साल से है, 10 साल से है, सब लोग अब मेहनत चालू किया है वीडियो देख देख के। तो इसमें क्या होता है एक भाई ने नंबर दिया था ग्रुप में तो एक दूसरे को इससे भलाई होता है, बातचीत से फायदा मिलता है और कुछ नहीं। पहले क्या था नहीं आती थी मेरे को। हाँ भाई था एक टैबलेट थी मतलब पीछे लगाने लिए लेटरिंग की जगह। हाँ वो बताया था पर उसने ग्रुप में नंबर डाल दिया, फिर सारे ग्रुप में नंबर आ गए थे मेरे, फिर वो कैप्सूल वैप्सूल नहीं लगा था, वो चूरा नहाते नहीं पेट सफा। हाँ वो खाता हूँ उससे आ जाती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बड़े भाई, कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत होगा कॉल कीजिएगा बात करेंगे भाई, कहीं ऊपर वाला बात। अब पैरों में अकड़न थी बहुत ज़्यादा, वो अकड़न धीरे धीरे खत्म आएगा, आपका रिकवरी आ रहा है ना इसीलिए अब अकड़न आ रहा ज्यादा।
पहले इतना बहुत ज्यादा अकड़न आ रही है। हाँ पहले इतना अकड़न नहीं आता होगा, पहले इतना अकड़न जितना अभी लग रहा है ना, इतना अकड़न पहले नहीं आता होगा, ठंडा का दिन में इतना नहीं आता होगा। अभी गर्मी का दिन है यार, ऐसी भी शरीर गर्म रहता है, एनी टाइम पैर भी गर्म रहता है, शरीर ठंडा नहीं पाता है, तो इसलिए अभी अकड़न बहुत ज़्यादा आएगा। और जिस तरह रिकवरी आएगा उस तरह अभी अकड़न बढ़ते जाएगा, तो रिकवरी आते आते अकड़न धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अरे यार, अरे दिल्ली तो शिमला बनी हुई है, यहाँ तो सुबह शाम बारिश हो रही है, दबा के ठंड लगती है यहाँ पे, तो कम्बल तोड़ के सोना पड़ता है। नहीं इधर भी बारिश हुआ, इधर भी बारिश हो रहा है, लेकिन फिर भी मौसम ने रोध कर देता है, तो बारिश होने के बाद गर्मी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब नहीं अभी भी बात कर रहा हूँ ना, तो बारिश आ रही है अभी भी, बारी बैठा हूँ मैं बरामदे में। ओ, नहीं हम लोग का पानी का अभी हम लोग का धूप हुआ है, बारिश हुआ था परसों हुआ था, तो ठंडा लगने लगा, जैसे बारिश हुआ ना तैसे ठंडा लगने लगा, चादर ओढ़ ली है, क्योंकि ज्यादा ठंडा हम लोग महसूस नहीं कर पाते। ज्यादा ठंडा बर्दाश्त नहीं कर पाते, कहीं हल्का ठंडा आ गया ना तो मतलब चादर ओढ़ना पड़ेगा। आपका 12 साल हो गया? हाँ। क्या एक्सीडेंट हुआ था क्या? नहीं बिजली के खंभे पर से हम गिर गए। तो हम लाइट का काम करते थे क्या? नहीं नहीं हम कुछ काम नहीं करते थे, एक तरह से ना सोचिए ना, हम अपने अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मारे हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब है, बाघ का सामने चला जाइए, अगर बाघ को बोलिए बाघ हमको नहीं खाइए, वो खाने छोड़ेगा। हेलो आवाज आ रही है? सुनाई दे रही है? आवाज आ रहा है? जा रहा है? हाँ, आ रही आवाज आ रही। मतलब बोल रहे हैं बाघ का मुंह में चला जाइएगा और बाघ को बोलिएगा हमको नहीं खाइए, तो बाघ खाना छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो हम गाड़ी घोड़ा से एक्सीडेंट नहीं हुए हैं, नहीं तो हम ये क्या दारू शराब गांजा ये सब हम कुछ नहीं पिए थे। हम खुद बोला 150 आदमी था, बोला सप्ताह दिन से लैन नहीं है चढ़ जाओ, तो 11,000 में चढ़े थे ये, घर वाला में नहीं, घर वाला में चालू में चढ़ जाते थे, लेकिन जो जो खेत तरफ रहता है ना वो 11,000 में चढ़े थे हम। तो आपकी रिकवरी आ रही है फिर? हाँ यार आ रहा है, देख चीज़ खत्म हो गई, नहीं गॉड भगवान सबको ठीक करेगा, सबको ठीक करेगा, सभी हो जाए। हाँ जिस तरह जी लेवल है, कोई हल्का कम ठीक होगा, कोई ज्यादा ठीक होगा, यही बात है, जिस तरह जिसका चोट लगा हुआ है। हाँ इस लेवल का भी हिसाब किताब होता है, कैसे बंदा कैसे ठीक होगा कैसे नहीं होगा। हाँ हाँ इतना डॉक्टरों ने मना कर दिया था, फिर भी ऊपर वाले की देन है। हाँ हमको भी डॉक्टर आप बैठिएगा नहीं, आप खड़ा नहीं हो पाइएगा, अब हमको बड़ा डॉक्टर बोला था, सबसे बड़ा हॉस्पिटल इंडिया में, अभी तो हर जगह हॉस्पिटल होगी, हमको भेलोर का डॉक्टर जवाब दे दिया था। कहाँ पे करवाया था आपने? हम ऑपरेशन तो रांची में करवाए हैं, लेकिन हम भेलोर भी किए थे उस टाइम। अच्छा। 2013-14 का बात है, उस टाइम हम भेलोर किए थे, तो भेलोर में हमको जवाब दे दिया था, कहीं बड़ा बीमारी होता था ना तो भेलोर लेके भागता था उस टाइम। अभी तो हर जगह बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा बड़ा कीमती हॉस्पिटल हर जगह खुल गया, लेकिन उस टाइम नहीं खुला था, उस टाइम ज़्यादा मोबाइल भी नहीं चलता था, बटन मोबाइल सैंपल मोबाइल चलता था। हाँ। कीबोर्ड वाला चाइना मोबाइल निकला था और सैंपल नोकिया वोकिया का मोबाइल, और उस टाइम हर भाई को पास मोबाइल नहीं था। हम उस टाइम एक्सीडेंट हुए थे, तो इतना नॉलेज भी नहीं था हम, लेकिन हम ये ज़रूर सोचे थे जो हम एक दिन हम ऊपर वाला जिस हालत ये भी हालत में रहेंगे नहीं थे, ऊपर वाला एक दिन हमको ज़रूर खड़ा करेगा, ज़रूर ठीक करेगा, जो बोल रहा है डॉक्टर को बोलने दीजिए।
वो तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। हाँ लेकिन हम ये अपना अपने इरादा हम ठान के रखे थे, जो हम इस तरह सो के भी रह रहे हैं ना, फिर भी हम जरूर ठीक होंगे, डॉक्टर जो बोल रहा है बोलने दो, ये हम अपने आप मन में सोचते थे। मेरे तो 1 महीना ऐसे ही पड़े रहे घर में, घर वाले वहाँ लेके चले गए राजस्थान। हाँ राजस्थान वहाँ एक कोई मंदिर है। हाँ उतार के वहाँ बुटाती धाम देखे थे। हाँ तो ना वहाँ माना सारे पैरालाइज ही आते हैं। हाँ लकवा के मरीज हो गए, पैरालाइज हो गए, वहाँ सारे आते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा था, 4 कंधे पे आया था बंदा वो। हाँ उस पर आया था स्ट्रेचर पे, 4 कंधे पे, 4 दिन लेके आए थे, 7 दिन तक रुकना पड़ता है वहां पे। हाँ वो खड़ा होके गया था मेरे आंखों के सामने। तो आप किए हैं? मेरे बगल में ही था तो वो ठीक हो गया। आप भी हैं तब? हाँ मेरी उंगली चल गई थी वहां से। तो आप वहां पर गए तो उंगली चलने लगा? हाँ मेरी उंगली चली, अंगूठे उंगलियां चलने लगी थी करीब 5वें दिन में। तो पैर का जब उंगली काम करने लगता है तो ये डॉक्टर बोलता है पैर का उंगली जब काम करने लगेगा ना तो लेटरिन बाथरूम पूरा कंट्रोल आ जाएगा। हाँ तो उंगली वगैरह चली तो फिर 7वें दिन में था, मेरे कोई मेरा पैर पकड़ रहा है, सेंसरी भी वहीं पता लग गई ठंडक गर्म की। वहीं ठंडा गर्म आपका महसूस होने लगा? हाँ वही महसूस होने लगा था, पर चल के नहीं आया था मैं, पर इतना था उंगली वो नहीं चल गई थी मेरी, वहाँ ठंडे गर्म की महसूस होने लगी। और बंदों को देख रहा था ना मैं जैसे आ रहे थे, मतलब किसी का अटैक वाला लगवा था, किसी का वैसे ही अटैक वाला पैरा लग, किसी को सुन हो रखा था। हाँ। शरीर वो जितना कोई कोई मतलब वैसे जा रहा है, कोई लंगड़ा के जा रहा है, कोई व्हील चेयर पे गया है, कोई वॉकर से गया है, कोई छड़ी लेके गया है, और कोई वैसे अपने पैरों में। ये चीज वहाँ चमत्कारी है, वहाँ पे ये चीज देखी है मैंने। हाँ तो मतलब अच्छा काम किया। दूर से बंदे आते थे वहाँ तो एक बार और चला गया रहते हैं, एक बार और देने एम में। हेलो तो एक बार और कहाँ चला गए? हाँ जी एक बार और गए गए रहते हैं वहाँ। हाँ वहाँ का फोटो वोटो है? फोटो वहाँ ना वो देते हैं, वहाँ का एड्रेस एड्रेस है, वहाँ का फोटो वोटो आप ना वो डाल दो ना तो यूट्यूब में सर्च मार दो आ जाएगा। नहीं उसका हमको एड्रेस दे थोड़ा भेज दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज डाल देना, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा उसका एड्रेस। नहीं आप इतना राजस्थान नागौर जिला कर देना, बुटासी डाम। कहाँ से कहाँ का वो एड्रेस क्या बोले? नागौर जिला राजस्थान बुटाती धाम। फोटो वोटो मोबाइल में नहीं खींच के रखे थे? एड्रेस उड्रेस एड्रेस उड्रेस है आपका मोबाइल में? एड्रेस सब यही डाल दो ना, पूरा एड्रेस सारा कुछ निकल जाएगा, वाइट डाटा निकल जाएगा उसका। कार्ड उड़ है डाल लोगे ना? हाँ कार्ड उड़ दिया था आपको? कार्ड उड़ कार्ड वार्ड कुछ नहीं दिया था हमारे को, वह पर्ची मिलती है वहाँ रहने के लिए, मतलब खाना पीना सब फ्री है, रहना वहना सब फ्री है। हाँ कोई पैसा नहीं है 7 दिन तक, तुम्हारा बस आने जाने का किराया लगता है बस, ट्रेन व्रेन का या बस से कैसे भी जाओगे। हाँ बाकी और कोई खर्चा नहीं है, वहाँ रहना खाना पीना सब फ्री। तो आपको सुबह शाम रोटी मिलेंगी, मतलब आपके साथ 4-5 बंदे जा सकते हैं, रह सकते हैं वहाँ। आपको कमरा भी देंगे, रजाई का वहाँ वहाँ क्या आपको क्या करवा गैस सिलेंडर। तो वहाँ एक्सरसाइज करवाता था ना? वहाँ एक्सरसाइज करवाता था ना? क्या करवाता था वहाँ? एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती वहाँ ना, आरती होती है, भगवान जी है उनकी आरती होती है। हाँ तो वो सुबह शाम आरती लेनी पड़ती है और भभूति लगानी पड़ती है पैरों पे। जो वहाँ ना एक जोत जलती रहती है 24 घंटे, हवन कुंड सा बना हुआ है। तो वो उसकी भभूति पैरों पे लगाते रहोगे ना हाँ
वो ही असली दवाई है वहाँ की। नहीं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वो बाबा का नाम क्या बोले? बुटाती धाम। नहीं वो कमली बाबा, आप सर्च मारोगे ना यूट्यूब पे तो आ जाएगा, मतलब नागौर जिला डाल देना, राजस्थान बुटाती धाम डाल देना। नहीं भेज दीजिएगा आपको इसका पूरा वाइट अड्ड है, इसका एड्रेस थोड़ा भेज दीजिएगा। चलो मैं आपको, मैं ना ग्रुप में डाल दूँ? हाँ ग्रुप में डाल दीजिए, मेरे पर्सनल में कहीं स्क्रीन शॉट उसका एड्रेस मिलेगा, स्क्रीन शॉट भेज दीजिएगा, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। हाँ मैं इस पर डाल दूँगा फिर, आपके इस पर डाल दूँगा पर्सनल पे। वहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे, मैं तो एक बच्चा देखा था, मतलब छोटा बच्चा था 4-5 साल का। हाँ उसके ना जन्म से ही पैर वैर काम नहीं कर रहे थे। हाँ उस बच्चा ना वो थोड़ा मतलब क्लियर तो नहीं हो पाया, मतलब वो बताते हैं करे 7 बार उसको घर पे, मतलब घर पे भी वो ला सकते हो करते हैं। कैसे लो चावल कैसे घर पे भी कर सकते हो आप ये चीज वहां से लाके के चोरा बेच दीजिए आपसे ना लान भी आम जाए बेचिए उसे तो बेची ने सरवा छू दलिए हाथ से ये बात ना बेचिन। हाँ हेलो बोल बोलिए भाई। एक है ना अमेरिका से भी लड़की आई थी वहाँ, इसका उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, व्हील चेयर पे आई थी। थोड़ा वो लड़की चल के गई थी, इसकी वीडियो वीडियो सब बनी हुई है उस पे, आप यूट्यूब पे भी सर्च मारो ना आ जाएगी उस पे। उस लड़की मेरे सामने चल के गई थी अमेरिका से, आई थी बहुत दूर दूर से, अमेरिका से, सऊदी अरब से। हाँ बहुत दूर दूर से वहाँ आते हैं, मतलब बहुत मानते हैं वहाँ पे, करीबन हजारों की संख्या में पैरालाइज विकलांग ये सब आते हैं वहाँ। ठीक है ठीक है ठीक, आप सर्च मारो ना आप पे ही आ जाएगा, फिर भी मैं डाल दूंगा एक आध वीडियो वहाँ की क्लिक करके। ठीक है ना, जैसे राजस्थान का भाई लोग है ना तो उन लोग तो जा सकता है दिखाने के लिए, वहीं पर है। बिल्कुल हाँ गांव में ही है वो मंदिर, बहुत बड़े उसका बना हुआ है। हाँ तो राजस्थान का, राजस्थान का मंदिर रहने की सब सुविधा है उसमें, खाने पीने की सब सुविधा, कोई पैसा नहीं कोई नहीं। तो राजस्थान का कम से कम ना 30-40 भाई है। हेलो राजस्थान का ना करीब 30-40 भाई है, तो उन लोग जा सकता है वहीं पर है ना। हाँ तो उन लोग जा सकता है दिखा सकता है कहीं, उन लोग उन लोग ठीक हो गया तो हम लोग भी जाएंगे। नहीं होता है जुड़ गया ऊपर वाले से, वो जुड़ किसी से बोलता नहीं है जैसे। और मेन बात जिसका दिल साफ रहता है, जिसका दिल साफ रहता है ना उसका दरिया भी साफ करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिसका पास ईमान नहीं रहेगा वो कहीं चला जाएगा, कहाँ भी चला जाएगा, लेकिन उसका कबूल नहीं होगा। नहीं बस आप विश्वास करने ये, हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ अपने आप पर विश्वास करना और ईमान भी रहना हाँ। चाहिए, ऐसा नहीं जो बेईमान है तो चला जाएगा, वो टाका पैसा भी दे देगा लेकिन फिर भी ठीक होने वाला नहीं। अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। मैं यही कहता था घर वालों से, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, देखो आधा तो हो ही गया। हाँ एक आध बार और चला जाइएगा, एक आध बार और चला जाइएगा। नहीं वो दवाई वहाँ से बहुत ही वगैरह है ना, वो दे देते हैं, कह रहे हैं अब लगाओ, वैसे जाने वाने की जरूरत नहीं पड़ती वहाँ पर, कह रहे हैं ये लगाते रहो हो जाओ। बहुत ही कोई मतलब खाना पीना खाते तो थोड़ी बहुत इसमें डाल देते हैं, पानी में डाल लेते हैं, तलवे पे हल्की सी लगा लेते हैं, पैर पे हल्की सी लगा लेते हैं, मतलब वहीं का नाम दे के लगाते रहो। जाने को दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ती वहाँ पे। नहीं बहुत अच्छा है, बस मन में भगवत, बस मन में वो रखना। हाँ वो बाबा का नाम है भगवती बाबा, भगवती बाबा।
मैं तो देखो हॉस्पिटल गया था ना दोबारा ओपीडी में ना, वो वीडियो में पहले उसको देखते थे लेकिन अबार से वीडियो छोड़े हैं देखने के लिए। मैं तो ओपीडी में गया था ना बोकल लेके दिखाने के लिए, डॉक्टर चौक गया था वो, क्या भैया नहीं नहीं वो जो आप भगवती नहीं नहीं आप जो भगवती बाबा का जो बोल रहे हैं ना, तो डॉक्टर भी वहाँ भेज रहा है, जो डॉक्टर नहीं इलाज कर पाता है ना तो डॉक्टर भी भेजता है वहाँ पर। बिल्कुल हाँ, हम देखते थे पहले वीडियो, अभी वीडियो नहीं देख रहे हैं, पहले बहुत ज्यादा वीडियो देखते थे हम। अच्छा अच्छा हाँ, तो पेशेंट के पूछता था कहाँ से मिला एड्रेस, कौन भेजा, तो बोला हमको डॉक्टर ने भेजा, हम डॉक्टर से इलाज करवा के थे तो डॉक्टर ने हमको एड्रेस दिया। वो ये मतलब वहाँ पे भी ये बड़े बड़े में लिखा हुआ अक्षरों में, जो डॉक्टर इलाज न कर पाए सबसे बड़ा डॉक्टर यहाँ बैठा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है। की कर लो हमरा। हाँ हाँ चलो आपको वीडियो भेजता हूँ मैं, ठीक है। और के बोल रहे हैं ना, वहाँ का एड्रेस उड्रेस नहीं है।